केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी तरह फेल रही। चाहे जल जीवन मिशन हो या फिर हर घर बिजली पहुंचाने का विषय रहा हो, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में कांग्रेस सरकार पूरी तरह नाकाम रही। केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर के सर्किट हाउस में आमजन की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। शेखावत ने दो टूक कहा, कांग्रेस सरकार ने 5 साल के दौरान केवल वादे किए लेकिन जनता से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए धरातल पर कोई काम नहीं किया। सड़क, बिजली और चिकित्सा से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ती रहीं। उन्होंने कहा, कांग्रेस की इन्हीं नाकामियों की वजह से प्रदेश की जनता ने भाजपा को मौका दिया और जनता को इस डबल इंजन की सरकार से अपेक्षाएं हैं। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जनसुनवाई में अनेक लोग आकर के अपना विषय रखते हैं और ये डबल इंजन की सरकार इन सब समस्याओं का समाधान करके लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए कटिबद्ध है, हम काम कर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा ईडी की छापेमारी से संबंधित ट्वीट पर शेखावत ने कहा, सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे कल जयपुर में ये प्रश्न पूछा गया था तो मैं जो कल वहां जवाब दिया था वही आपको दे देता हूं। और मैं ये राहुल गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, तो हिंदी की एक कहावत कल बताई थी और वो कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे लगता है इतना पर्याप्त। तो वहीं छात्र संघ चुनाव पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत छात्र संघ चुनाव जरूरी है। मैं उसी मार्ग से आता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर रविंद्र सिंह भाटी तक से लेकर एक पूरी श्रृंखला है। उन्होंने कहा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पाठशाला से सीख कर लोकतंत्र की इस व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाई है। इसीलिए राजस्थान सरकार व मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह रहेगा कि निश्चित ही छात्र संघ चुनाव समय पर कराए जाने चाहिए। तो वहीं छात्रों को भी व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहयोग करना चाहिए जिससे छात्र संघ चुनाव समय पर होते रहें। निश्चित रूप से, मैं तो क्योंकि उस मार्ग से आता हूं और हम अगर नजर उठा करके देखें तो सम्माननीय अशोक गहलोत साहब से लेकर के और एक पूरी लंबी श्रृंखला, एक पीढ़ी, अगर जोधपुर विश्वविद्यालय के अनुक्रम में बात करूं तो सम्माननीय अशोक गहलोत साहब से लेकर के आदरणीय रविंद्र सिंह जी तक, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पाठशाला से सीख करके और लोकतंत्र के इस व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। इसलिए मेरा तो आग्रह रहेगा, मेरा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि निश्चित ही छात्र संघ के चुनाव समय पर होने ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में मैं छात्रों से भी आग्रह करूंगा कि हम भावनाओं से ऊपर उठ करके जो वर्ष पर्यंत काम करने वाले लोग हैं, वर्ष पर्यंत काम करने वाले संगठन हैं, किसी विचार को लेकर के काम कर रहे हैं, किसी विश्वास को लेकर के काम कर रहे हैं, किसी स्पष्ट सोच और लक्ष्य को लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनके साथ में जुड़ करके व्यापक छात्र हितों में छात्र राजनीति के साथ में जुड़े, लेकिन छात्र राजनीति लोकतंत्र की पहली पाठशाला है, इसे जो है इसका मार्ग अवरुद्ध करना मेरे हिसाब से अनुचित। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं के निस्तारण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी निर्देश दिए गए थे, अगर 20 लाख से ज्यादा मतदाता लगातार 3 बार चयन करें और आपको प्रतिनिधि चुने तो निश्चित ही लोगों की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा रहती हैं, इसीलिए ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन लोगों के लिए काम करूं। देखिए, जब मैंने पिछली बार आया था मैंने सरकारी अधिकारियों के साथ में बैठक की थी, उस दिन भी मैंने निर्देश दिए थे कि इस पर प्राथमिकता के साथ में काम करना चाहिए।